हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे फिश करी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो हम मसाला तैयार करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है एक प्याज। प्याज को हमने इस तरीके से कट कर लिया है, रफली चॉप कर लिया है, और ये चार गांठे लहसुन की, तो इसे हम पीस लेंगे। यहाँ पे प्याज और लहसुन को हमने पीस लिया है, इसे हम एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर से हम सेम जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ये 4 से 5 चम्मच सरसों। एक छोटा चम्मच हम काली मिर्च डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। तो अब सरसों और काली मिर्च भी पीस कर तैयार है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 केजी मछली लिया है, और ये गैंची मछली है। इसे हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है। तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम एक एक करके ये मछली डाल देंगे। और अब हम इसे थोड़ी देर इसी तरह छोड़ देंगे, इसे फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर एक तरफ से इसे फ्राई होने के बाद पलट देंगे और इसी तरह पलटते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी मछली को फ्राई कर लेंगे। अब हम इस तेल में डालेंगे 1 चम्मच सरसों। इसे हम थोड़ा क्रैक होने देंगे और अब हम इसमें ये प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम मिला लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों और काली मिर्च को जो हमने पीस के रखा है, उसे हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, मिला लेंगे इसे। एक चम्मच हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे। नमक भी हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे
और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम मसालों को फ्राई कर लेंगे। बस इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। अब मसालों से तेल अलग हो चुका है, मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, मिला लेंगे इसे। तो यहाँ पे हमने 3 ग्लास पानी डाला है। ग्रेवी को आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और ग्रेवी में हम उबाल आने देंगे। अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ मछली डाल देंगे। मिला लेंगे इसे। अब हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। तो अब 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, मछली बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो आप भी इस तरीके से मछली बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।